स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं सरकार की ओर से एक और नया जो अपडेट आया है, सूचना आई है, जो सरकार ने आदेश दिया है वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार ने क्या कुछ आदेश दिया है। और सरकार यहाँ पर मदद दे रही है जो बाढ़ पीड़ित हैं। जी हाँ, अतिवृष्टि की वजह से और बाढ़ की वजह से जो समस्या उत्पन्न हुई है लोगों के आगे, उनमें सरकार जो है राहत दे रही है, मदद दे रही है, आर्थिक सहायता दे रही है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार दे रही है आवास। जी हाँ, CM आवास और PM आवास की योजना जो है शुरू कर दी गई है और वो दिव्यांग लोगों को भी मिल रही है। समूह की महिलाएँ जो दिव्यांग हैं उनको भी मिल रही है। साथ ही मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था आपको एक वीडियो में कि जो बाढ़ पीड़ित हैं या अतिवृष्टि की वजह से जिनको समस्या हुई है, आर्थिक और मकान का जो टूट फूट हुई है, आर्थिक नुकसान हुआ है, उसमें सरकार जो है आवास भी दे रही, जिसका घर टूट गया है उसको आवास दे रही है और 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। साथ ही यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में फिर से एक सूचना आई है जिसको मैं आज बताने वाली हूँ। तो वो क्या कुछ जानकारी है, चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ पैसा सरकार जो है बाढ़ पीड़ितों को मदद के रूप में देने वाली है, उसी को देख लेते हैं। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी अपडेट और जानकारी आपको लगातार हमें चैनल पे मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं क्या कुछ सरकार यहाँ पर आदेश दी है। और अखबार में, न्यूज़पेपर में, अमर उजाला में आज की डेट में ये एक जानकारी निकली हुई, चलिए उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अप्रत्याशित बाढ़ के संकट में केंद्र व प्रदेश सरकार तथा प्रशासन पीड़ितों के साथ है। बाढ़ से किसी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जी हाँ, यदि किसी परिवार में बाढ़ की वजह से मृत्यु हुई है किसी भी परिवार के सदस्य की, तो उस परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी जाने वाली है। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को दोबौलिया ब्लॉक के हेगापुर सर्वोदय विद्यालय में बाढ़ राहत वितरण शिविर में विचार व्यक्त कर रहे थे। बाढ़ से अंग भंग हुए व्यक्ति को 75,000 से लेकर 2.5 लाख तक सहायता दी जाएगी। जी हाँ, यदि बाढ़ की वजह से किसी व्यक्ति का अंग भंग हुआ है, चाहे पैर में कुछ चोट आई है, अंग भंग हुआ है, या हाथ में कोई भी शरीर का कोई भी अंग भंग हुआ है, तो व्यक्ति को 75,000 से कम लेकर के 2.5 लाख तक रुपये की सहायता दी जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें, यदि पशु की हानि हुई है, पशु की मृत्यु हुई है, गाय भैंस बकरी कुछ भी जो भी पशु है, यहाँ पर पशु लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पशु हानि होने पर भी सहायता दी जाएगी। तो प्रभावित परिवार को किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरान और पीड़ितों में राहत सामग्री वितरित करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री 3 दिन के भीतर सभी पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित कराने, नाव एवं मोटर बोट उपलब्ध कराने के अलावा बाढ़ प्रभावित परिवारों के जानवरों के लिए भूसा चारा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आप टाइटल मोटा मोटा देख सकते हैं, बाढ़ से अगर मौत हुई है तो 4 लाख रुपये का परिवार को सहायता दी जाएगी और अंग भंग होने पर 2.5 लाख रुपए की मदद देगी सरकार। तो ये जानकारी आज ही की है, आप सभी तक पहुंचाने के लिए मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।